किसान भाइयों नमस्कार, मालवा फार्म में आपका स्वागत है। ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडी डब वाली पे, अंकल जी के पास अली डेरी फार्म पे। वहां से लेकर यहां तक टोटल 18 गायें हैं जो कि यहां से मंडी डब वाली से खरीदी गई हैं और आगे गुजरात के लिए भेज रहे हैं। उधर जो आप गायें देख पा रहे हो वो नॉर्मल है, कोई 40 वाली है, कोई 40 से कम वाली है, कोई 40 से ज़्यादा वाली। इधर जैसे जे क्वालिटी आपको लग रहा है देखने में बढ़िया क्वालिटी है, इधर भी थोड़ी सी महंगी गायें हैं, मतलब महंगे से महंगा रेट यहाँ पे अवेलेबल है, आज सस्ते से सस्ता रेट। क्या रेट रहता है वो अंकल जी से बात करके आपको बताते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है जी? जी बढ़िया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। गुजरात के किस एरिया में गायें जा रही है जी? बनासकांठा जी। ऑनलाइन ऑर्डर है जी? नहीं जी, ग्राहक आए हुए हैं। हाँ जी, ठीक है। तो एक हमें एवरेज रेट बता दो, कहाँ से शुरू होकर कहाँ पे खत्म होता है? एवरेज रेट मतलब 45,000 से शुरू, 40,000 से लेके 55,000 तक माल आया। ठीक है। और जे गायें भी इसी रेट पे हैं? इसी 55,000 की। देखने में तो काफी महंगी लग रही है जी। हाँ जी, वैसे महंगी है, मंदा है थोड़ा। अच्छा, लॉकडाउन तो मैंने तो वीडियो के शुरू में बोला था कि ये गायें मेरे ख्याल से दूर से देखने में ऐसे लग रही थी कि महंगी है। हाँ जी, हाँ जी, मांग तो बहुत रहे थे। क्योंकि मैंने जब अभी शाम का टाइम है ना, सुबह जब मैं मंडी पे आया था तो इस गाय की मैंने वीडियो बनाई थी, तब इसका रेट और था, मांग काफी ज्यादा रहे थे, 75 मांग रहे थे, 75,000। तभी मैंने कहा ना कि महंगी गाय भी है। तो अभी हम बात करते हैं, अगर ऑनलाइन गायें भेजनी है तो ऑनलाइन में कैसे रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी? टोकन मनी कितनी है आपकी? टोकन मनी जी मतलब ये 10 गाय तो लाख रुपए जी, मतलब एक गाय का 10,000। तो ऑनलाइन भेज देते हूँ? हाँ जी, हाँ जी। जवाबदारी आपकी रहती है? घर तक की हमारी है। ठीक है जी। और अगर कोई किसान यहाँ पर आकर खरीदना चाहे? अच्छी बात है जी, हम भी चाहते हैं कि किसान आए अपने हाथ से दुहाई करें और जी उनकी तसल्ली हो जाती है जी। ठीक है। तो अभी हम बात करें इस गाय का, कौन से ब्यंत की गाय है जी? ये सेकंड में सर। दूध कितना रहेगा जी इसका? है जी 20 से प्लस। रेट जी? रेट इसका 55,000 के लिए हम चलाओ जी। तो किसान भाइयों जे गायें सेकंड लैक्टेशन में है, 20 लीटर से प्लस गाय का दूध रहेगा और जो रेट है 55,000 गाय का रेट रहेगा। गाय की क्वालिटी आप देख सकते हो, क्वालिटी आपके बिल्कुल सामने है। और अगर आप यहां से गायें खरीदना चाहते हैं तो अली डेयरी फार्म से जो नंबर हमने आपके साथ शेयर किया है उस नंबर पर कभी भी कॉल करके यहाँ पर आकर गायें खरीद सकते हो। अगर आने का समय नहीं है आपके पास तो आपके पास सेकेंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। दोनों ऑप्शन ही आपके पास अवेलेबल है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप यहां पर आकर गाय खरीद सकते हो। जे गाय कौन से ब्यंत में जी? ये सेकंड में ब्याएगी, ये अभी प्रेग्नेंट है। कितने दिन ले जाएगी? ये 10 दिन ले जाएगी सर। और दूध कितना दे देगी जी? दूध कर देगी 20 से प्लस। और रेट अंकल जी? रेट इसका जी 47,000 रुपया। चलाओ जी। तो किसान भाइयों जे गाय आप देख सकते हो, गाय का आपको बैकग्राउंड बता दिया, अदर क्वालिटी गाय की देख सकते हो। क्वालिटी को देखकर जो रेट है वो काफ़ी रेट रिजनेबल है और जितना दूध बताया है उतना दूध भी गायें बड़ी आसानी से दे देगी। मतलब बात वही आ जाती है, जैसा आप रेट लगाओगे वैसी आपको क्वालिटी मिल जाएगी। जितना आपका बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग आप यहां पर आकर गायें खरीद सकते हो। इस गाय का क्या बैकग्राउंड है जी? ये सेकंड ब्याएगी जी, प्रेग्नेंट है। कितने दिन ले जाएगी? ये 25 दिन ले जाएगी सर। और दूध कितना देगी जी? दूध दे देगी 18 लीटर की। और रेट जी? 42,000 रुपये। चलाओ जी। चला दिया। तो किसान भाइयों इस गाय का 42,000 रेट है, सेकंड लैक्टेशन में है, अभी प्रेग्नेंट है। अगर दूध की बात करें तो दूध 20 लीटर के अराउंड दे देगी, 20 से एक आधा लीटर बढ़ सकती है, मतलब कम नहीं रहेगी। अदर क्वालिटी देखो जी, गाय देखो। जे गाय कौन से ब्यंत में जी? ये पलमण ब्याएगी जी। कितने दिन ले जाएगी? ये 10-15 दिन ले जाएगी जी। और दूध कितना देगी जी? दूध दे देगी 16-17 लीटर की। और रेट भी इसका तो कम ही रहेगा जी? जी हाँ। कितना रेट जी? 35,000 रुपये की खरीद है जी हमारी। 35,000? हाँ जी। ठीक है। तो किसान भाइयों मात्र 35,000 गाय का रेट है, जस्ट 35,000 गाय का रेट है और गुजरात जा रही है जहाँ से सेल और कर 15 लीटर के आसपास में गाय का दूध रहेगा। 15 लीटर वाली गाय आपको 35,000 में मिल रही है। क्वालिटी आप देख सकते हो, जितना रेट है रेट से बढ़कर गाय की क्वालिटी है।